झारखंड में पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। ठंड बढ़ रही है, अभी तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बने निम्न दबाव का आंशिक असर झारखंड पर पड़ रहा है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में पिछले न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मौसम के वैज्ञानिक के अनुसार आज से झारखंड के मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया गया है। राजधानी रांची के कांके इलाके में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया था, जिसमें और गिरावट आ रही है। यानी कि अभी और ठंड बढ़ेगी। यानी कि अगर हम बात करें जिस तरह से तापमान की गिरावट आ रही है, इससे और ठंड बढ़ रही है और इस मसले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव चैट पर। जी दीपक, तापमान में गिरावट आ रही है दिन ब दिन, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, दिसंबर माह का आगमन के साथ ही तापमान में दिनों दिन गिरावट आ रही है। पूरा रांची की बात करें तो 12 न्यूनतम जो पारा है वो 12 डिग्री सेल्सियस आंकी गई है। वहीं कांके इलाके में जो ठंड है वो न्यूनतम जो तापमान है वो 4.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। तो कह सकते हैं कि ठंड जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि अभी बादल छाया हुआ है, जैसे ही बादल फटेगा शीतलहरी का जो सितम है वो देखने को मिलेगा और ठंड से लोगों को खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे परेशानी अभी से ही लोगों को हो रहा है, खासतौर पर गरीब तबके के लोग जो रिक्शा चालक होते हैं, जिनका जीवन यापन रिक्शा पर ही होता है, खुले आसमान के नीचे वो दिन और रात बिताते हैं, वैसे लोगों की परेशानी सबसे अधिक पड़ गई है। रोज अहले सुबह जब लोग सो के उठ नहीं पाते हैं उस वक्त वो रांची के सड़कों पर वो रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारने के लिए आते हैं रोजी रोजगार के लिए, लेकिन उन्हें काम भी नहीं मिलता है क्योंकि अहले सुबह कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं निकलता है। तो यही वजह है कि उन्हें भी परेशानी होती है। खास तौर पे स्कूली बच्चे जो जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना होता है उनकी परेशानी बढ़ जाती है, ठंड में जल्दी नहीं उठ पाते हैं। और ठंड में खास तौर पे लोगों की दिनचर्या जो सुबह का जो समय होता है वो लोगों का दिनचर्या में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। मुराबादी मैदान में आप हर दिन अगर वहां जाएंगे तो सुबह में लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, सब मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग वहां पे आते हैं, लेकिन उसमें भी अभी देखने को मिल रहा है समय की बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग 8 से 9 बजे तक वहां पे लोग आते हैं और अपना शारीरिक फिटनेस को बनाने का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि टाइम टेबल में भी लोगों का बदलाव हो रहा है, ठंड जैसे जैसे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा अगर परेशानी की बात करें तो और नुकसान की बात करें तो किसानों को हो रहा है, जो कि जो खेतों पे अभी जो फसल लगा हुआ है वो पाला मारने से ख़राब हो सकती है। खासतौर पे आलू जो खेतों पे किसान लगाए हैं एक बड़ी उम्मीद के साथ कि अच्छी उत्पादन होगा तो उसे बेहतर मुनाफा में बेच पाएंगे। इसके अलावा भी कई तरह के जो सब्जियाँ किसान लगाए हुए हैं वो ठंड जैसे जैसे गिर रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है और पाला जो पड़ता है ठंड में उससे उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि ठंड का जो सितम है जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। जी जी दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से तापमान में गिरावट आ रही है जो है किसानों के फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। कोहरा और तापमान जिस तरह से झारखंड में गिरावट दिख रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की जो है ठंड की वजह से परेशान है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।